ओके चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। ठीक है, तो पहले हम 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। तो एक लाइन आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। तो ठीक है, ये आप कर लेंगे, नाप के आप बना लेंगे स्केल से या रूलर की मदद से। फिर क्या करना है, अब आपको इसे 5:8 यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 5:8 में 8 में इस लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो एक तरीका क्या होता है, आप इसकी इधर से इस पॉइंट से ऐसे 90 से कम यानी एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ऐसे बना दीजिए और यहाँ ऊपर से एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे बना दीजिए। ठीक है, कर देना ऐसा, आपने स्किल से करना है। तो वो करने के बाद क्या करना है, फिर आपने लेना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर लेकर, क्योंकि हमें इसे किस रेशियो में करना है, 5:8 में करना है। तो 5 तो एक लाइन पर, ये जैसे नेचर लाइन है या ऊपर लाइन, आपकी मर्जी है किसी में भी कीजिए। तो या तो नेचर लाइन में या ऊपर वाली लाइन में आप ये आर्क लीजिए प्रोटेक्टर से, एक ठीक ठाक उसकी एक रेडियस ले लीजिएगा थोड़ी सी, और उससे उसी रेडियस को सेम करके ऐसे आर्क बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आर्क बना लेंगे। ये 5 हमने यहाँ पे लिया, तो चलिए हम नीचे वाली लाइन में 5, ये जो 5:8 हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, इसका इस 5 को हम यहाँ नीचे आर्क ऐसे लगा दें और बचा 8, अब 8 को ऊपर वाले में लगा लेंगे। उसी रेडियस, जितना रेडियस से अभी आपने इसमें नीचे लगाया था, इसी सेम को लेकर आगे यहाँ पर 8 आर्क्स लगाएंगे। तो ठीक है, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़ा सा ऐसे और बड़ा कर लेते हैं स्केल मिनट से ऐसा आप कीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 7 एंड 8, ओके हो गया, ये 8 हो गया और ये 5 भी शूट करना। अब करना क्या है, अब आपने स्केल देना है और ये जो 8th वाला आर्क यहाँ आपने लगाया और ये 5th वाला जो आर्क लिया, इन दोनों को आपने क्या करना है, जोड़ देना है एक लाइन से, स्केल लेकर ऐसे जोड़ देना है। हम इसे फिलहाल ऐसे जोड़ रहे हैं, आपने ऐसे स्केल से करेंगे ऐसे जोड़ देना। तो देखिए अपने आप ये पूरी की पूरी लाइन कितना, 5:8, 5 पार्ट एंड 8 पार्ट, 5:8 में ये डिवाइड हो गया। बस ऐसा करेंगे, ओके। ऐसे अब आप अपने आप से प्रोटेक्टर की मदद से कीजिएगा, और इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लिंक, इस लिंक को कॉपी कीजिए या फिर टाइप करके यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, अपने आप आपको इसकी प्रोटेक्टर बेस्ड वीडियो दिख जाएगी। ओके, थैंक यू।